ने कंगना रनौत से कहा था कि बॉलीवुड में सबने नेपोटिज्म फेस किया है, मैंने भी किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर जगह पे आओ और उसके बारे में रोते बैठो या फिर उसके बारे में तुम यू नो विक्टिम हो, ऐसे दिखाओ। ऐसे जो है उर्मिला मातोंडकर ने कंगना रनौत से कहा था, और कल के इंटरव्यू में कंगना रनौत ने उसी बात पे जो है उर्मिला मातोंडकर पे पलटवार कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिंकी, आप सबका स्वागत है बॉलीवुड टीवी पर। कंगना रनौत जी जो है अपने इंटरव्यू में कल उर्मिला मातोंडकर जी को कहती है कि आप एक स्टार हो, आपने भी स्ट्रगल किया है, सब किया है, सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर मैं सच में इस बात पे आ जाऊं, अगर मैं सच में कहूं कि आपको किस वजह से लोग जानते हैं या किस वजह से आप इतनी फेमस हो, तो मैं सीधे से कहूंगी कि आप अपनी एक्टिंग की वजह से फेमस नहीं हो, आपको कोई भी अपनी एक्टिंग की वजह से नहीं जानता, आप फेमस हो क्योंकि आप एक सॉफ्ट स्टार हो। ये जो स्टेटमेंट है कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर जी के लिए किया है, उनका कहना है कि उर्मिला मातोंडकर जो है वो इसलिए इतनी बड़ी स्टार है, इसलिए उन्हें जनता जानती है क्योंकि उन्होंने वो एक सॉफ्ट स्टार है। यही कंगना रनौत जी थमी नहीं, यही पे वो रुकी नहीं, उन्होंने उर्मिला मातोंडकर जी से ये भी कहा है कि अगर जो जब एंकर ने पूछा कि सब ऐसे कह रहे हैं कि आपको बीजेपी ज्वाइन करना है, इसलिए जो है आप इतना यू नो तमाशा कर रही है, इसलिए आप इतने सारे लोगों के अगेंस्ट जा रही है, जब एंकर ने ये कंगना रनौत जी से पूछा तो कंगना रनौत जी ने इसका एकदम जबरदस्त आंसर देते हुए कंगना रनौत जी कहती है कि मुझे टिकट लेने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कल को जाऊं तो कोई भी मुझे टिकट दे देगा। और वो ये भी कहती है कि अगर उर्मिला मातोंडकर जी एक सॉफ्ट स्टार होके भी अगर उन्हें टिकट मिलता है पॉलिटिक्स में जाने का, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। ये भी जो है कंगना रनौत ने उर्मिला मातोंडकर को जवाब दे दिया है, करारा जवाब दे दिया है। दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है, कंगना रनौत जी ने जो भी उर्मिला मातोंडकर के बारे में कहा, इसके बारे में आपको क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की और भी ढेर सारी गॉसिप्स लेके मैं वापिस आऊंगी, देखते रहिए बॉलीवुड टीवी।